हाय एवरीवन, मैं हूं सुखदेव और आप देख रहे हैं मिक्स मैथ 22। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे आप पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अकाउंट में। तो आप यह काम अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए घर बैठे ही कर सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और एम पिन इंटर करके लॉगिन करना है। तो अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से 2 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखकर KYC कंप्लीट करके आप अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग में अकाउंट को लिंक भी करा पाएंगे। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे अभी लॉगिन हो चुका हूँ। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे सेंड मनी पे और यहाँ पे देख सकते हैं POSB स्वीप इन और POSB स्वीप आउट, जो कि मैं इसे रिलेटेड पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप POSB स्वीप आउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैलेंस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो चलिए पीछे चलते हैं इस बार और क्लिक करेंगे POSB स्वीप इन पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मीन्स पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का बैलेंस अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट के बैलेंस में ट्रांसफर होगा। तो मुझे अभी यही प्रोसेस करना है POSB स्वीप इन, उसके बाद मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मनी ट्रांसफर कर पाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अब पीछे चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू स्टेटमेंट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा दोनों अकाउंट लिंक है और दोनों का मैं बैलेंस यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट का KYC कंप्लीट कराना है और फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट को इस अकाउंट में लिंक करना है, उसके बाद ही आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं पीछे चलता हूँ और फिर से क्लिक करूँगा सेंड मनी पे और फिर क्लिक करूँगा POSB स्वीप इन पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग में अकाउंट का बैलेंस यहां पे देख पाएंगे और यही बैलेंस आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो आप जितने अमाउंट का करना चाहते हैं यहां पे आप इंटर करें। तो चलिए इंटर कर लेते हैं और फिर अगर आप कुछ रिमार्क्स में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर कंटिन्यू के बटन को क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर कन्फर्म कर लें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मीन्स पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से आपका मनी ट्रांसफर हो रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में और आप यहां पे सेंडिंग अमाउंट देख सकते हैं, उसके बाद आप यहां पे कंफर्म करें। तो यहां पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा, आपको यहां पे इंटर करना है देखकर और यहां पे OTP ऑटोमेटिक सबमिट होगा। तो देख सकते हैं यहां पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए आप गो टू होम के बटन को क्लिक करते हैं और क्लिक करेंगे व्यू स्टेटमेंट पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू लास्ट 10 ट्रांजैक्शन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 500 रुपीज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मीन्स पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट हुआ है 500 रुपीज मीन्स वहाँ से मैंने इस अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर लिया है। अब आप ये अमाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मनी ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए अब मैं पीछे चलता हूँ और फिर से क्लिक करेंगे सेंड मनी पे और फिर क्लिक करेंगे फंड ट्रांसफर के बटन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 बेनिफिशियरी मैंने ऐड किए हुए थे इससे पहले की वीडियोस में, जो कि मैंने फुल प्रोसेस बताया था मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर आप न्यू बेनिफिशियरी को सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनका अकाउंट नंबर IFSC कोड इंटर करके सेंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी SBI के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करूँगा, तो मैं इस बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं आपका इस अकाउंट से मींस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट से आपका मनी ट्रांसफर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में। तो चलिए यहां पे मैं अमाउंट इंटर कर लेता हूं जितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और फिर रिमार्क्स में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और फिर आप कंटिन्यू के बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट टाइप में यहाँ पर 2 मेथड दिया हुआ है। तो सबसे पहला मेथड है इमीडिएट पेमेंट मीन्स IMPS, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। और दूसरा पेमेंट मेथड है NEFT, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसी पेमेंट मेथड से मनी ट्रांसफ़र करना है। तो आप जब भी NEFT से मनी ट्रांसफ़र करें तो सबसे पहले आप बेनिफिशियरी को ऐड कर लें, उसके बाद आप 12 घंटे बाद कभी भी उसको मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि मैं इससे पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी क्लिक करता हूँ
उसके बाद आप इस डिटेल्स को कंफर्म कर लें। उसके बाद आप कंफर्म के बटन को क्लिक करें। तो यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फिर से एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, आपको इंटर करना है और फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक सबमिट होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका मनी ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए अब मैं गो टू होम के बटन को क्लिक करता हूँ और फिर व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे व्यू लास्ट 10 ट्रांजेक्शन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ₹500 जो मैंने मंगाए थे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से और फिर SBI में मैंने ट्रांसफ़र किए ₹122, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का बैलेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई सवाल या परेशानी हो तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।